हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई एम फ्रॉम SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम स्कूल और आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड. आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 4, रूपास पैरेट. दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, शेख सुमैया. हम लोगों ने आगे 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं इंग्लिश में. जिसने भी तीनों तीन चैप्टर्स नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, वो देख ले और समझ ले. और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो आप देखें उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें. ये देखो कैसे यहाँ से बर्ड उड़ कर गई ना, तो आज हमारा चैप्टर्स इसी तरह बर्ड्स के ऊपर है. देखो यहाँ पर कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स हैं. स्पैरो है, पैरट है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये देखो ये कौन सी है, डव. ये है पिजन. ये है फिंच, क्रो, नाइटिंगेल, पैरट. तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बर्ड्स है. तो आज हम इसी तरह की एक बर्ड के बारे में जानेंगे. चलो बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि ये उड़ती हुई बर्ड्स कैसी लग रही है ना? आप लोगों को भी बाहर घूमना फिरना खेलना कूदना अच्छा लगता है ना? तो ये यहाँ पर बर्ड भी आसमान में उड़ रही है, तो इसे भी कितना अच्छा लगता होगा. अब मुझे बताओ कि ये बर्ड कैसी लग रही है, पिंजरे में बंद. अ बर्ड इन अ केज. अगर मैं भी आप लोगों को इसी तरह से एक रूम में बंद कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? जैसे अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन था तो मम्मी पापा नहीं जाने देते थे ना बाहर घूमने फिरने, नहीं ले जाते थे. घर में ही रहो, घर में ही सारे काम करो. अच्छा लगता था आप लोगों को? नहीं अच्छा लगता था ना? आप लोगों को भी ये वाली बर्ड की तरह घूमना फिरना पसंद है, और इस तरह की बर्ड की तरह आप लोगों को भी केज में रहना पसंद नहीं है. तो हमें भी बर्ड की तरह ही उड़ना पसंद है, तो हमें बर्ड को केज में बंद नहीं करना चाहिए. ऑल राइट. आवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, रूपाज पैरेट. सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे. वी मस्ट बी काइंड टू अवर फैदर्ड फ्रेंड्स. FEATHERED, फैदर्ड. फैदर्ड यानी कैसे, पर वाले है ना. फैदर्ड फ्रेंड्स यानी जो हमारे पर वाले फ्रेंड्स होते हैं, और पर वाले फ्रेंड्स यानी कौन, बर्ड्स. तो हमारे पर वाले फ्रेंड्स यानी बर्ड्स के प्रति हमें काइंड होना चाहिए, दया रखनी चाहिए हमारे मन में. वी मस्ट नॉट पुट देम इन केजेस. केजेस यानी पिंजरे में बंद नहीं करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे लव टू फ्लाई इन द स्काई एंड बी फ्री. हमें समझना है कि बर्ड्स को भी हवा में उड़ना आसमान में उड़ना पसंद है, और उनको भी फ्री रहना पसंद है. पिंजरे में बंद रहना उनको भी पसंद नहीं है. लेट्स रीड. रूपा वांटेड अ पेट. रूपा को क्या चाहिए, एक पेट चाहिए. और पेट किसे कहते हैं, जिन्हें हम घर में रखकर पाल सके, हमारे साथ बिठा सके, हमारे साथ सुला सके, ऐसा होता है पेट. वन डे शी सेड टू हर मदर. एक दिन उसने अपनी मम्मी से क्या कहा, मदर कैन आई हैव अ पप प्लीज. क्या हम मुझे पप दिला सकते हो? रूपास मदर सेड. रूपा की मदर ने क्या कहा, रूपा वी लिव इन अ स्मॉल फ्लैट. हम छोटे से फ्लैट में रहते हैं. अ पप लाइक्स टू रन एंड प्ले. और पप को क्या करना पसंद है, दौड़ना पसंद है, खेलना पसंद है.
तो क्या वो इतने छोटे से घर में ये सब कर पाएगा? वी कांट कीप अ पप हियर, तो हम पप को यहाँ नहीं रख सकते। रूपा वॉज अनहैप्पी, रूपा नाखुश हो गई, दुखी हो गई, है नहीं? रूपा की मम्मी ने क्या वजह बताई कि पप को क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनका घर छोटा है, वो लोग फ्लैट में रहते हैं, और पप को तो दौड़ना पसंद है, खेलना पसंद है, तो इस वजह से वो लोग पप को उनके साथ नहीं रख सकते। नेक्स्ट डे रूपाज ग्रैंड मदर केम टू देयर हाउस, अगले दिन रूपा की ग्रैंड मदर उनके घर आई। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्विक चेक, तो हम चेक कर लेते हैं। डिड मदर बाय अ पप फॉर रूपा, क्या मम्मी ने रूपा को पप ला कर दिया? नहीं दिया। ओके। ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन अनदर पार्ट ऑफ द टाउन। अनदर पार्ट ऑफ द टाउन का मतलब है वो रहते तो एक ही शहर में थे, पर वो शहर के दूसरे मोहल्ले में रहते थे। वेन रूपा सॉ हर शी जम्प्ड विथ जॉय, है ना? आप लोगों को भी दादी दादा को देखकर कितना खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी रूपा ने जब अपनी ग्रैंड मदर को देखा तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। हेलो ग्रैंड मदर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, सेड रूपा। और रूपा ने ग्रैंड मदर को विश किया और उनसे कहा कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ग्रैंड मदर स्माइल्ड एट रूपा, ग्रैंड मदर ने भी रूपा के सामने देखकर मुस्कुराया। शी सेड रूपा सी व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, ग्रैंड मदर ने क्या बताया उसको कि देखो रूपा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। रूपा रैन टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर, और रूपा दौड़ कर अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है। सी हैड ब्रॉट अ पेट पैरट फॉर हर, उसकी दादी ने उसके लिए क्या लाया है, एक पेट पैरट यानी एक पालतू तोता। हेलो हेलो आई एम पोली, ये कौन बोलता है? पैरट, तो यहाँ पर ये पैरेट बोलता भी है और वो रूपा को क्या कह रहा है, हेलो हेलो आई एम पॉली। पैरेट का नाम क्या है? पॉली। रूपा स्क्रीम्ड एंड मूव्ड अवे, रूपा ने क्या किया, जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। स्क्रीम्ड करना यानी टू मेक अ लाउड क्राई, जोर से चिल्लाना। ग्रैंड मदर लाफ्ड, आर यू स्केर्ड, ग्रैंड मदर हंसने लगी और उसने पूछा क्या तुम डरती हो? सी आस्क्ड डोंट यू वॉन्ट टू प्ले विथ इट, और उसने पूछा क्या तुम इसके साथ खेलना नहीं चाहोगी? इट्स योर्स, सेड ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने क्या कहा, ये तोता तुम्हारा ही है। मदर स्पोक टू मी दिस मॉर्निंग, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सुबह में ही बताया था। सी टोल्ड मी दैट यू वॉन्टेड अ डॉग, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हें एक डॉग चाहिए। शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू वर अनहैप्पी, और मम्मी ने क्या बताया कि तुम दुखी हो। सो आई हैव ब्रॉट दिस पैरेट फॉर यू, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये पैरेट लाई हूँ। वाई डिड रूपा स्क्रीम, रूपा क्यों चिल्लाई, तो उसका जवाब हम यहाँ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को रूपा ने क्या कहा, थैंक यू, ही इज़ वेरी स्वीट, यानी ये पैरेट बहुत ही स्वीट है। ही टॉक्स टू, और वो बोलता भी है। बट आई कांट कीप हिम, पर मैं इसे नहीं रख सकती, सेड रूपा। ग्रैंड मदर वॉज सरप्राइज्ड, अब यहाँ ग्रैंड मदर एकदम सरप्राइज हो गई कि पहले तो उसे पेट डॉग चाहिए था और अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब वो पैरेट लाई है तो वो कहती है कि मैं इसे नहीं रख सकती। वाई शी आस्क्ड, तो वो रूपा से पूछती है क्यों। ग्रैंड मदर दिस पैरेट शुड बी फ्री, वो क्या कहती है कि ये पैरेट को हमें फ्री करना चाहिए। इट शुड फ्लाई अबाउट हैप्पीली, यानी ये पैरेट को खुशी से उड़ना चाहिए।
इट शुड बी विद इट्स फैमिली, और इसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। आई कांट कीप इट इन अ केज, मैं ये पैरेट को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। ग्रैंडमदर लुक्ड एट रूपा विथ अ स्माइल, और ग्रैंडमदर ने रूपा को मुस्कुराते हुए देखा। माय क्लेवर रूपा, शी सेड। ग्रैंडमदर ने रूपा से क्या कहा कि रूपा बहुत होशियार हो गई है। हाउ डिड यू लर्न दिस, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तो यहाँ हमको आंसर मिला ना बेटा कि व्हाई डिड रूपा स्क्रीम, रूपा क्यों चिल्लाई थी जोर से, क्योंकि उसे पिंजरे में बंद हुआ तोता अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि जैसे हम लोग घूमते फिरते हैं उसी तरह ये पैरेट भी हवा में उड़ता हुआ नजर आए, उसे वो पैरेट केज में अच्छा नहीं लग रहा था। माय टीचर टॉट अस, ग्रैंडमदर यानी वो क्या कहती है कि ये सारी बातें मुझे मेरी टीचर ने सिखाई है। ही आस्क्ड अस वेदर वी वुड लाइक टू लिव इन अ केज ऑल अलोन, टीचर ने क्या सिखाया कि क्या हमें केज में अकेले रहना पसंद है। वुडेंट वी वॉन्ट टू लाफ एंड प्ले विद अवर फ्रेंड्स, क्या हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ हंसना खेलना पसंद नहीं है। वी ऑल अंडरस्टूड दैट अ पैरेट नीड्स टू बी फ्री टू, और इसी तरह पैरेट को भी फ्री होने का पूरा हक है, उसे भी आसमान में उड़ने का पूरा हक है। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो बेबी है इसने क्या कहा कि हम ये पैरेट को फ्री कर देंगे। सो बच्चों आप लोगों को भी पिंजरे में बंद किसी भी बर्ड्स को नहीं रखना है, बल्कि उन्हें फ्री कर देना है। ऑल राइट, हैव यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर चिल्ड्रन? ओके, थैंक यू।